उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 जैसे जैसे नज़दीक आ रहे हैं, प्रदेश की योगी सरकार की मुश्किलें भी बढ़ती चली जा रही हैं। योगी सरकार की मुश्किलों को बढ़ाते हुए अब आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री भी मैदान में कूदती दिखाई दे रही हैं। रामपुर के अंबेडकर पार्क पर जमा आंगनवाड़ी महिलाओं ने योगी सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करते हुए ज़बरदस्त नारेबाजी की। जिला सचिव समीना ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी ने 4.5 सालों में एक भी वादा पूरा नहीं किया। जो योगी सरकार जी ने हमारे साथ में वादा किया था वो आज वादा खिलाफी कर रहे हैं, और उन्होंने वादा किया था कि हम 1500 रुपये हम बढ़ाएंगे। वो 1.5 साल पहले हमारे 1500 रुपये प्रोत्साहन राशि के रूप में उन्होंने कहा था, लेकिन अब जो उन्होंने घोषणा की थी तो उन्होंने कहा था कि हमने आपके 1500 रुपये बढ़ा दिए, लेकिन वो जो सरकार ने हमारे साथ किया वो छल किया है। उसमें हमें हमारा मानदेय नहीं बढ़ाया उन्होंने, मानदेय प्रोत्साहन राशि के रूप में दिया गया है, उसमें जितना आंगनवाड़ी काम कर लेगी वही उसे मिलेगा, उसमें सभी को लाभ नहीं मिल पाएगा। और एक तरफ कहते हैं कि महिलाओं का सम्मान कर रहे हैं, लेकिन महिलाओं का सम्मान नहीं हो रहा है, ये महिलाओं का अपमान किया जा रहा है। इस सरकार में बहुत सी आशाएं लगाई थी हमने कि हाँ योगी सरकार आएगी, हम वादे निभाएगी, लेकिन ये सरकार कोई खरी नहीं उतरी, जो वादे किए सारे झूठे किए, और आज तक छल खेल रही है आंगनवाड़ियों के साथ में और हमारी महिलाओं का उत्पीड़न कर रही है। जबकि छवि रानी कहती हैं कि हम लोग बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन सरकार आंखें मूंदे तमाशा देख रही है। सरकार आंखें मूंदे बड़ी है, ये नहीं सोच रही है कि हाँ सही हमारी बहनें बहुत काम करती हैं आंगनबाड़ी में। एक तरफ ये यशोदा माँ कह रही हैं, कह रहते हैं, एक तरफ कहते हैं कि आंगनबाड़ी एक नींव है, तो उनके साथ क्या हो रहा है? वो उनके बच्चे, उनके घर का परिवार सब कुपोषित हो रहा है, वो अपने घर को ध्यान नहीं दे पा रही है। पूरा देश पूरा दिन सारा दिन सरकार के कार्य में लगी रहती है, उसके बाद भी कहते तुम लोग कुछ नहीं करते, और जहाँ 50 साल 60 साल हो रहे हैं खाली हाथ लौटा दे रहे। वहीं ब्लॉक अध्यक्ष सुषमा रानी ने कहा, योगी जी ने कहा था अच्छे दिन आएंगे, लेकिन हम आंगनवाड़ियों के तो इस सरकार में और बुरे दिन हो गए। योगी सरकार से हमें बहुत उम्मीद थी, उन्होंने कहा था अच्छे दिन आएंगे आपके, लेकिन हमारे तो अच्छे दिन कहाँ आए, ये होता कोई भी हमारा काम नहीं हुआ इसमें, नहीं तो हमारे पैसे बढ़ाए गए, नहीं किसी का प्रमोशन हुआ, प्रमोशन भी प्रक्रिया रुकी हुई है हमारे, तो हमें किसी से उम्मीद, सरकार से हमें यही उम्मीद थी कि हमारे अच्छे दिन आए, हमारी बहनों के प्रमोशन हो, जो रिटायर हो रही हैं उन्हें पेंशन दिया जाए, पैसा दिया जाए, और फ्री नर्सरी से हमें जोड़ा जाए, अच्छे उस पर रखा जाए, लेकिन सारी उम्मीदों पर हमारा बस ये है, निराश होकर हमारी बहनें बैठ रही हैं, और हमारा मानदेय बढ़ाया जाए, जितना काम है उसके हिसाब से तो हमें मानदेय दिया जाए, जिससे हम अपना गुजारा कर सकें। रामपुर से रियल टाइम्स नेटवर्क की खास रिपोर्ट। अच्छी और सच्ची खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक और शेयर ज़रूर करें।